क्या दुनिया को देखने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है? बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या इनलाइटेनमेंट जो था वो सही था? क्या किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत है? क्या होती हैं टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी? अगर ये सारी बातें आपको जाननी है तो आज हम बात करने वाले हैं इजाया बर्लिन की, उनकी फ़िलोसफी की। तो दोस्तों, मैं हूँ संदीप सिंह और इस लेक्चर में शुरू करते हैं उनकी कहानी से। तो सर इजाया बर्लिन का जन्म रसिया में हुआ था। वो एक रसियन बॉल पॉलिटिकल थेरिस्ट थे और बाद में वो हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज भी बन गए थे। केवल फिलोसोफर नहीं थे, वो फिलोसफी का ओरिजिन भी सर्च करने की कोशिश कर रहे थे। उनका जो सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन है 20th सेंचुरी में, वो आप लिबर्टी पे देख सकते हैं और प्लूरलिज्म पे देख सकते हैं, जो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और वैल्यू प्लूरलिज्म पे। लेकिन कैसे ये चीज़ें आती हैं? तो जब भी हम खासतौर पर वेस्टर्न फिलोसफी में ध्यान देंगे, वहाँ पर दो चीज़ों के बीच में डिबेट चलती रहती है। एक होता है नेचर और दूसरा कल्चर, कैसे हम बने हैं, रियलिटी को कैसे देखते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की डिबेट चलती रहती है। इनलाइटनमेंट पीरियड ने क्या करा, एक तरीका बताया कि कैसे हमें चीज़ें देखनी है, और उस चीज़ को देखते देखते इन्होंने कहा कि केवल वही खास नहीं है, उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। इसलिए उन्होंने काउंटर इनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी, और तब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो देखने वाली बात हो गई। उनकी तीन किताबें देख लेते हैं। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ये एक किताब है। फोर एसेज ऑन लिबर्टी, ये भी एक किताब है। एंड द हेड हॉग एंड द फॉक्स, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है अगर आप वैल्यू प्लूरलिज्म के बारे में समझना चाहते हैं, क्या होता है, कैसे है। देखते कोशिश करते हैं कि वो क्रिटिक क्यों कर रहे थे इनलाइटनमेंट का और क्रिटिक करने का रीज़न क्या था। तो इनलाइटनमेंट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो आर्ग्यू करता है यूनिवर्सल रीजन के बारे में। उनका कहना है कि यूनिवर्सल रीजन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही नेव है और ये कहीं ना कहीं रिकग्नाइज नहीं कर पाया जो ट्रेजिक नेचर है ह्यूमन का, जो चॉइसेस में इन्वॉल्व है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। तो एक सिंपल बात यह है कि जो नियम हम बनाते हैं कि ये नियम हम बनाएंगे, ये नेचुरल साइंस में लागू हो जाएंगे कि ऐसे होता है, एक तरीका होता है दुनिया देखने का, साइंस देखने का, क्या हम ह्यूमन साइंसेस में वो लगा सकते हैं? क्या ह्यूमन भी ऐसे होता है कि वहाँ चॉइस इन्वॉल्व होती है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व होते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो हर जगह नहीं लगेगा। और उन्होंने कहा जो काउंटर इन्लाइटमेंट है वो कहीं ना कहीं एंटीडोट है इस जो अनकंट्रोल्ड रेशनलिज्म है उसके खिलाफ। तो ये रेशनलिज्म के खिलाफ एक बार आर्ग्यू नहीं करते, वो एक मेथड हो सकता है, लेकिन जो केवल रेशनलिज्म के बारे में बातें करेगा उसके अगेंस्ट वो आर्ग्यू करते हैं। और उनका ये बात आप ध्यान रखना है कि ह्यूमन वैल्यू केवल रेशनलिटी के आधार पे नहीं आ सकती, कि एक सिंगल चॉइस है, लोगों के पास एक्सपीरियंस का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मतलब है कि लोगों का एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंसान जब भी कोई चॉइस मेक करता है, एथिकल डिसीजन लेता है, तो वो जो आर्ग्यू करेंगे उससे कनेक्ट करके देखेंगे। जो नेचुरल लॉ है उसमें सर्टेनिटी होती है, ये एक डॉगमा है, मतलब ये एक कहानी बना दी है जो साइंटिफिक नहीं है, और इसी को इन्होंने मोनिज्म कहा है कि जब आप एक ही तरीके से देखते हैं। तो आप देखते हैं और डिटेल से। तो जब भी आप खासतौर पे यूनिवर्सल फिलॉसफी की बात करते हैं, इन्लाइटनमेंट की बात करते हैं, तो इन्लाइटनमेंट क्या होता है? तीन बातें होती हैं, जो तीन एज्यूम्सन्स होते हैं इन्लाइटनमेंट में, उनके बारे में बात करते हैं। पहला एज्यूम्सन ये है कि एक सिंगल करेक्ट आंसर मिल सकता है हर जवाब का, हर सवाल का। दूसरा एक एज्यूम्सन यह है कि एक क्लियर मेथोडोलॉजी होगी जो रीजन पर बेस होगी, जो हर बात का जवाब दे देगा। और तीसरा होगा कि एक कोहेसिव पिक्चर बन जाएगा। कोहेसिव पिक्चर मतलब है कि जिसका हम देख के मीनिंग बना लें, कि अगर ये चीज़ यहाँ पे हो रही है तो कोई और भी देखेगा तो वैसा ही नज़र आएगा। अगर एक गाड़ी एक स्पीड से चल रही है, 1 घंटे बाद कहाँ होगी तो हम भी बता सकते हैं, कोई और भी बता सकता है। तो ये काफ़ी मैथमेटिक का अप्रोच था, मैथ्स का अप्रोच था जो यहाँ पे इनलाइटनमेंट पहले लगाते हैं। राइटर बर्लिन इन्हीं चीज़ों के खिलाफ आर्ग्यू करता है कि नहीं, ये तरीके सही नहीं है। ना तो हर चीज़ का एक सिंगल करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, वैल्यू अलग होते हैं, ना रीजन अकेला एक ग्राउंड है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो सकता है, और भी ग्राउंड हो सकते हैं दुनिया जानने के, चॉइस में करने के, मोरलिटी के। और ना कोई हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई कोहेसिव पिक्चर बन जाए, क्योंकि आप मानते हैं कि दुनिया में हर जगह रीजन होता है, सबका रीजन सेम होता है, ये भी मानते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसके खिलाफ वो आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि हमें काउंटर जो इन्लाइटमेंट थिंकर्स हैं उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। तो बर्लिन ने जो काउंटर इन्लाइटमेंट थिंकर हैं उनमें वीको हैं, हर्डर हैं, हैनमैन हैं, इस तरह के थिंकर्स में वो दिखाते हैं जो रिजेक्ट करते हैं मोनिस्ट, इसी को वो मोनिज्म बोलते हैं, कि एक सिंगल चीज़ पे सारा यकीन करना, एक कोहेसिव सिस्टम पे यकीन करना, यही मोनिज्म है।
और इसी फीथ और यूनिवर्सल जो रीजन है इसके खिलाफ वो आर्ग्यू करते हैं। उन्होंने जोर किस बात के दिया कि आपको करेक्ट आंसर का कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से मिल सकता है, कल्चर से मिल सकता है, हिस्ट्री से भी मिल सकता है, और रीजन की लिमिट होती है, ये बताने की कोशिश करी। और इन सबको इन्होंने बताया कि अर्ली प्लूरलिस्ट थे जिन्होंने डेंजर देख लिया था इस रेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। इसका डेंजर क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला है कि जो मोरल ग्राउंड बनाते हैं ये एनलाइटनमेंट पर, इसको हम लोग बहुत नैतिक तौर पे देखते हैं। तो ये मोरल ग्राउंड जो बनाते हैं और जो यूनिवर्सल रीजन की बात करते हैं, इन दोनों चीज़ों को सवाल करते हैं और कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर आस्पेक्ट को देखना चाहिए, जो कम्युनिटी है उसको देखना चाहिए, और रेशनलिज्म और नेचर के बीच जो रिलेशन है उसको देखना चाहिए। तो कहते हैं कि जो इनलाइटनमेंट ने किया क्या है, वो हर चीज़ के जवाब का एक सोचते हैं कि एक ही जवाब है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, एक ही मेथड है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, और हर चीज़ यूनिवर्सल हो सकती है, ये यूनिवर्सल लेवल पे समझ सकते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको उन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम है ना पूरा का पूरा, ये मोनिज्म प्रमोट करता है। हमें मोनिज्म नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लूरलिज्म चाहिए जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा कि मैथ का एटीट्यूड है ये कि एक सिंगल जवाब होगा और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम वो जवाब निकाल लेंगे, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है। और क्यों तरीका नहीं है, क्या डेंजर्स हैं, वो अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डेंजर क्यों लगा उनको, डेंजर इसलिए लगा क्योंकि जो टोटलिटेरियन स्टेट होते हैं वो क्या कहते हैं, या मार्क्सिस्ट जो स्टेट है वो क्या कहते हैं, कि हम जो कह रहे हैं वो आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। हम जो मेथड अपना रहे हैं रीजन, सबने बोला ना कि हम साइंटिफिक थ्योरी हैं, उससे सारे जवाब मिल जाएंगे। हम जो कह रहे हैं वो सब लोग मानते हैं और सब लोग समझ सकते हैं। तो ये जो थेरीज हैं ये मोनिज्म पे आधारित हैं, ये मान लेंगे कि हम ही सही हैं तो दूसरे को ये लोग ध्यान नहीं देंगे ना, तो टॉलरेंस नहीं होगा, सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करेगी। इस वजह से जो टोटलिटेरियन स्टेट होता है वो भी इसी लॉजिक से ऑपरेट करता है। तो इसलिए बताते हैं कि ये जो थिंकिंग है मोनिज्म वाली, ये डेंजरस है, और इसका जो ओरिजिन है वो एनलाइटनमेंट थिंकिंग में है। जैसे बहुत थिंकर्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं एनलाइटनमेंट पीरियड अच्छा है, वैसे हम सोचेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं, जो इनका ओरिजिन का वो है, वो मोनिज्म की शुरुआत कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट से होती है। फिर ये कहने के बाद इनका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं वैल्यू प्लूरलिज्म। वैल्यू प्लूरलिज्म ये मानता है कि जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं, जो बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट में भी हो सकती है, और इनकमेंसुरेबल हो सकती हैं। इनकमेंसुरेबल मतलब क्या है, कि दो ऐसी चीज़ें जिनके बीच में कोई कॉमन ग्राउंड ना हो। अब मैं आपसे पूछूं कि एक चाकू बेहतर है कि एक आम बेहतर है, अब इनके बीच में कॉमन ग्राउंड क्या है, वो कंपेयर करना डिफिकल्ट है। अगर मैं पूछूं कि आम बेहतर है सेब बेहतर है, तब एक फ्रूट है, दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो कंपेयर ही ना कर सकें, अब मैं बोलूं कि इसको और इसको आप कंपेयर कीजिए, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर वो पॉलिटिकल मोनिज्म को रिजेक्ट करते हैं, वैल्यू प्लूरिज्म के बारे में बातें करते हैं, क्रिटिक करते हैं एनलाइटनमेंट को क्योंकि एक्सेसिव रेशनलिज्म की वजह से, और पॉलिटिकल लिबर्टी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो सीरीज है कि रेशनलिटी होगी, सिंगल आंसर होगा, मोनिज्म आएगा, फिर मोनोलिथिक सिस्टम बना देंगे, फिर टोटलिटेरियन आएगा, बोलेगा कि हम हर चीज़ सर्टेनिटी से कर देंगे, और उसी सर्टेनिटी की वजह से मार्क्सिज्म और ये आता है, ये सारी चीज़ें। तो इसको क्रिटिक करने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा ये कहानी बनाया। फिर वैल्यू प्लूरलिज्म का मतलब है कोई भी यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम नहीं है। इसका मतलब जो बाद में कल्चरल रिलेटिविस्ट भी आर्ग्यू करते हैं कि आप जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि हम लोग भी वही सोचें, सबके कल्चर डिफरेंट है, जो वेस्ट के वैल्यू हैं ज़रूरी नहीं कि ईस्ट के वैल्यू हों। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी आएंगे मल्टीकल्चरलिज्म में बाकी जगह। तो एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एथिक्स को उन्होंने मतलब रिजेक्ट करा, और मल्टीपल थ्योरीज हो सकती हैं मल्टीपल वैल्यू प्लूरलिज्म के बारे में बातें करी। तो मोरल मोनिज्म के बारे अगेंस्ट आर्ग्यू किया, फंडामेंटल वैल्यू बताई कि लिबर्टी इक्वलिटी जस्टिस प्लूरल हैं और बहुत बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करती हैं। ये जो वैल्यूज हैं इनका कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं है, और उन्होंने कहा कि जब भी हम प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं तो ये मॉडेस्टी की तरफ बढ़ाता है, मॉडरेशन की तरफ बढ़ाता है पॉलिटिक्स में, जो कि बेहतर है टॉलरेशन की तरफ भी। अब उनका एक और कॉन्सेप्ट है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या मतलब है, जब आप ये देख रहे थे लिखने की कोशिश कर रहे थे तो पहले ही बताया गया था कि ये फिलॉसफी का हिस्ट्री लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि यार लिबर्टी को इतने लोगों ने सब ने अपने अपने तरीके से डिफाइन करा हुआ है, 200-300 थिंकर्स हैं, सब जो मन कर रहा है डिफाइन करते रहे। तो ये सोच रहे हैं कि सबको क्या मैं किसी एक सिस्टम में रख सकता हूँ जहाँ पे मैं दोनों को बता दूँ कि ये तो ऐसे सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, दो कॉन्सेप्ट दिए। उन्होंने कहा कि निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी मतलब है फ्रीडम फ्रॉम, पॉजिटिव मतलब फ्रीडम टू। फ्रॉम मतलब कि क्या बातें आपको रोक रही हैं उनसे आपको आजाद होना है, खासतौर पर ऑब्स्टेकल्स या आउटसाइड जो भी चीज़ें हैं। टू मतलब कि फ्रीडम किस लिए, आप सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हैं जो चाहते हैं इसके बारे में। तो जो निगेटिव फ्रीडम है वो अब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस है, कोर्सन है।
पॉजिटिव लिबर्टी जो है सेल्फ मास्टरी पे जोर देती है, सेल्फ रियलाइजेशन पे जोर देती है। अब उन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकती है, और कैसे हो सकती है वो आपको देखना पड़ेगा, और वो निगेटिव लिबर्टी को प्रोजेक्ट करने के बारे में बातें करते हैं। अब कैसे डेंजरस हो सकती है? जब आप निगेटिव में बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि आपका आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जब आप पॉजिटिव में बातें करते हैं तो पॉजिटिव कहीं ना कहीं एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट है ना, मतलब है कि रूसो ने कहा कि जनरल विल है जिससे आप सब अपनी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। अब पॉजिटिव सेल्फ रूल के बारे में बातें करेगा, सेल्फ रूल में बहुत बड़ा पॉलिसी हो सकते हैं, तो सरकार कहेगी कि भाई आप उतना अच्छा अपना डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम डिसाइड करके देते हैं। तो जी हम डिसाइड करके देते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम है, फिर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और वो स्टेट कंट्रोल करने लग जाते हैं, जो भी हिटलर का टाइम था, ये जो भी टोटलिटेरियन स्टेट स्टालिन का टाइम था, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी लिबर्टी का हम बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है ताकि आप फ्री रह पाएं। फिर वो लोग क्या करते हैं, लोगों को ऑप्रेस करते हैं। इस चीज़ का डेंजर उन्होंने देखा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। फिर वो डिफेंड करते हैं निगेटिव लिबर्टी को, क्योंकि उसमें फ्री फ्रॉम कोर्सन है और वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, जबकि पॉजिटिव में डेंजर रहता है कि कोई उसे कब्जा कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लोगों को ऑप्रेस कर सकता है। तो ये सब क्यों बताया उन्होंने, क्योंकि वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो वैल्यू प्लूरिज्म बताते हैं क्योंकि वो टॉलरेंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सोसाइटी को प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो वो डिफेंडर थे लिबरलिज्म के, और इसकी जो लिमिटेशन थी उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल का फोकस है फ्रीडम और राइट पे, वो कहीं ना कहीं कॉमन वैल्यूज के अगेंस्ट जा सकता है, सोशल जस्टिस के अगेंस्ट जा सकता है। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो डेंजर ऑफ इल लिबरलिज्म है, सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स है लिबरलिज्म की, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। और ये कहते हुए वो लिबरलिज्म के जो क्रिटिक थे उनसे भी इंगेज करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी इनलाइटनमेंट के पीरियड के बारे में, काउंटर इनलाइटनमेंट जो है उससे उनका रिलेशन देखा, फिर उसी से लिंक करके वैल्यू प्लूरलिज्म क्यों जरूरी है उसके बारे में बातें करी, वैल्यू मोनिज्म क्यों खतरनाक है, और उसी लिंकेज में हमने देखा कि जो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी हैं वो भी कैसे देखते हैं, वो क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी बातें हमने करी। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरा नाम है संदीप सिंह और लगातार ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखते रहिए, सुनते रहिए, और अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहिए। जय हिंद।